भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और उनकी कुछ बड़ी मांगे इस वक्त मेरे साथ सतीश कुमार जी। सर आपका क्या नाम? सतीश कुमार। सतीश जी क्या आखिर है जो आपको जंतर मंतर आना पड़ा? आज सरकार जो हर एक इदारे के ऊपर हमला कर रही है, किसानों पे, मजदूरों पे, और अब ये इसकी हद हो गई है कि इन्होंने अंपायर भी अपने रख लिए हैं, राज्यपाल और उपराज्यपाल, उनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। हमारा कहना है कि हर एक वर्कर का एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ऐसे ही राज्यपाल और उपराज्यपाल की कुछ सीमाएं हैं, उनसे हटके जन विरोधी काम ये कर रहे हैं। सरकारों को गिराया जा रहा है, सरकारों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, जनता अपना मुख्यमंत्री चुन के भेजती है। आज की सरकार इस तरीके से सरकारों को गिरा देती है कि वो जनता का जो वोट है, मैंडेट है, उसका भी अपमान है। उसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं और हम कह रहे हैं कि जब इनका ये राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ मिलके इस तरीके का गेम खेलते तो आप इनको हटा दो। जब एक वर्कर सही तरीके से काम नहीं करता है, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अलग चलता है, तो उसको भी नोटिस मिल जाता है। आज राज्यपाल और उपराज्यपाल अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, जो उनके सीमाओं में नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, उसके खिलाफ जाके ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये डिमांड के साथ आज यहाँ पर आए हैं कि उपराज्यपाल और राज्यपाल के पद को खत्म किया जाए। सतीश जी किस स्पेसिफिक किसी राज्य की आप बात बताएं कि वहाँ पर हस्तक्षेप जो है वो गवर्नर या एलजी का ज्यादा है, किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ आपको मालूम है, दिल्ली के अंदर हम अभी खड़े हैं, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? सरकार, चुनी हुई सरकार बार बार चिल्ला रही है कि हमें ये काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारी फाइल को दबाया जा रहा है, हमारी फाइल को रोका जा रहा है। ये कई उदाहरण है जो आए दिन अखबारों में, और जो सरकारी मीडिया है वो भी इस बात को कह रहा है। तो विपक्षी तो कहेंगे ना, वो तो कह रहे हैं, सरकारी मीडिया भी इस बात को कह रहा है कि आज राज्यपाल और उपराज्यपाल जो किस तरीके से अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। बात करें अगर केरला की तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चुने हुए गए, वहाँ भी यही सेम रहता है जिस बारे का आपको जिक्र किया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है क्या वजह है कि गवर्नर और चुने हुए मुख्यमंत्री के बीच जो है एक जो एक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है अगर हम उनको देखें, जबकि होना ये चाहिए कि राज्य की जनता के उत्थान के लिए काम होना चाहिए और दोनों को मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जनता के उद्धार के लिए काम होना चाहिए, जनता के हित के लिए काम होना चाहिए, लेकिन जो ऊपर सिलेक्शन कमेटी बैठी है उनका तो निर्देश अंपायर को यही है ना कि आपने इसको आउट नहीं देना है, आपने इसको आउट देना है। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल उनके निर्देश पे काम कर रहे हैं, तभी तो झगड़ा बढ़ रहा है। अगर ये स्वतंत्र होकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा झगड़ा नहीं हो सका। अभी आप एक क्लाइव लॉयड का जो बयान दे वो बात बता रहे थे, क्या आप किस्सा बताइए? पहले पाकिस्तान की जो टीम थी उनके साथ उनके एक अंपायर हुआ करते थे सकूर राणा, मनिंदर सिंह का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो मनिंदर सिंह उस टाइम बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने बार बार आउट की अपील करी, शकूर राणा ने पर्सनली उसको बोला बच्चे कितना भी उछल ले आउट नहीं दूंगा। तो ये महानता है मनिंदर सिंह की, उसने कहा कि शकूर राणा को मालूम था कि ये आउट है, एक आदमी को अपना काम मालूम होना चाहिए। आज के उपराज्यपाल और राज्यपाल को ये मालूम है कि ये काम गलत है, लेकिन ऊपर का डायरेक्शन है इसलिए नॉट आउट को भी वो आउट दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल कमेटी है हमारे देश की वो एम्पायर से ये कह रही है, एम्पायर का मतलब गवर्नर या एमपी से ये कह रहे हैं कि जो हम कहेंगे, हमारी पिच, हमारा ग्राउंड, हमारे रूल्स, खिलाड़ी जो मर्जी खेले, आउट देना नहीं देना वो हम तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरी बातों को सही तरीके से समझा और अपने शब्दों में इसको बयान किया। हमारा यही कहना है कि ऊपर से किसी को निर्देश ना हो, उनको खुद समझ है। जैसे शंकूर राणा को मालूम था कि ये खिलाड़ी आउट है कि नहीं है, ऐसे ही आज के राज्यपाल जो भी हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको मालूम है ये बात कि ये हमारे हक में नहीं आता, लेकिन सिलेक्शन कमेटी बैठी है कि अगर आप हमारे खिलाफ जाओगे तो अगली बार पिच पे अंपायरिंग आप नहीं कोई और करेगा। संघर्ष कब तक जारी रहेगा? हमारा तो काम है कि हमने संघर्ष करना है, अपनी बात को आगे रखना है, उस काम पे चलना है। आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें कि जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे, इसलिए हमारा संघर्ष तो चलेगा, चाहे चिड़िया चोंच में भर के पानी लाएगी आग बुझाने के लिए, लेकिन आग बुझाने वालों में चिड़िया का नाम आएगा। हम अपना नाम उस लिस्ट में लिखवाना चाहते हैं कि आग बुझाने के लिए हम आए थे।
हमने जनता को जगाने की कोशिश की थी। आपका क्या नाम? विजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, जिस तरीके से सतीश जी ने बताया कि एम्पायर जो है यानी गवर्नर और एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रहे हैं और वो आउट देना है या नहीं देना, यानी जो चुनी हुई सरकार है उनके काम को हस्तक्षेप पूर्ण तरह से करना है और उनका मन करेगा तो वो काम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, आप इससे कितना सहमत हैं और ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? मैं सतीश जी के बातों से 100% सहमत हूँ। आपको मैं एक दो उदाहरण दूंगा। अभी आपने कमरेड ने बताया, जो आपने देखा महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने अपने गवर्नर भेजा हुआ है, उन्होंने जब वहाँ पे शिवसेना की और कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार बनने की बात आ रही थी तो उन्होंने रातों रात बीजेपी फर्नांडिस जी को और अजीत पवार जी को बुला करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया। और जब सवेरे सभी लोग इकट्ठे हुए, जब कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत हुआ है, इसमें पूरा बहुमत साबित होना चाहिए और उसके हिसाब से सरकार बनना चाहिए। आपके सामने परिणाम आया, वो सरकार गिर गई और दूसरी सरकार बनी जो बननी चाहिए थी। फिर वो भी तो गिर गई। अभी गिर गई, वो तो पॉलिसी वही गवर्नर की थी जो अभी कामरेड ने एम्पायर वाली बात कही, क्योंकि अभी भी गवर्नर उनके थे, ये कोशिश की गई, उनको पार्टी को शिवसेना को तोड़ा गया, ये सब केंद्र की अहम भूमिका रही, राज्यपाल की बड़ी भूमिका रही और उन्होंने उनको सब इकट्ठा करके तोड़ के सरकार को गिराया, अपना बनाया। इसी प्रकार आपने केरल की जो बात करी, अभी वहाँ पे जो आरिफ मोहम्मद साहब हैं वहाँ पर बहुत अच्छे समझदार हैं, बड़े अच्छा वक्ता भी हैं, क्योंकि पार्टी से जो नहीं निकल के, आजकल जो भी गवर्नर लगभग हैं सब लोग पार्टी से बिलोंग करते हैं और बीजेपी अपने जो जो बुजुर्ग होते गए हैं उनको गवर्नर बना रही है क्योंकि उनको पूरे देश पे कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो ये जो आपने देखा होगा, अभी एक यूनिवर्सिटी की बात आई थी वहाँ पे, तो जो उनके अधिकार क्षेत्र नहीं है, विधानसभा में पास किया गया कि ये जो जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर का जो चुनाव होगा वो सरकार करेगी, लेकिन राज्यपाल जी कह रहे नहीं, मैं करूँगा और मैं जो चाहूँगा वही यूनिवर्सिटी का चांसलर रहेगा। तो ये एक पॉलिसी रची जा रही है, जहाँ भी, ये सब जगह नहीं है, आप जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ देखिए कोई भी राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं है। आप गुजरात में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, अदर स्टेट में जहाँ उत्तराखंड में देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ हस्तक्षेप नहीं करते, वहाँ ऐसे सुस्त रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। वो कानून जो दूसरे राज्य में जहाँ विपक्षी दल है, जहाँ विपक्षी दल काम कर रहे हैं वहाँ पर यही उनको यूज करते हैं और वहाँ पर इनको ज़्यादा कानून आने लगता है, इनको ज़्यादा समझदारी आने लगता है कि सारा अधिकार जो है हमारे क्षेत्र में है। सरकार चाहती है कोई काम करे, कुछ आगे बढ़े, फाइलें, क्योंकि एक रूल्स है, अंग्रेजों के ज़माने में एक गवर्नर का पोस्ट बना था। आज मोदी जी कहते हैं कि हम पुराने कानून को ख़त्म करेंगे, अंग्रेजों का जो चीज़ है उसको हम ख़त्म करेंगे, तो इस पद को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? क्योंकि जो ये गवर्नर का पद था ये अंग्रेजों ने लाया था, अंग्रेजों के टाइम से ये पद चलते आ रहा है और वो इसलिए बनाया था अंग्रेजों ने कि जो भी सरकार हो कहीं भी स्टेट में या राजा महाराजाओं का जो टीम था वहाँ पे एक अपना आदमी वो गवर्नर बना के बैठाते थे ताकि सब पे नकेल कस के रखे, सबका जो बात विचार ले करके और अंग्रेजों तक पहुँचाए और उस पर एक्शन करते थे। तो उसी प्रकार ये इन्होंने उस पोस्ट को जारी रखते हुए आज मोदी सरकार इस चीज़ को कर रही है और जहाँ विपक्षी पार्टियों का सरकार है वहाँ अपने राज्यपाल को यूज कर रही है और उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार और गवर्नर्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने एम्पायर्स यानी गवर्नर और एलजी को स्टेट में बिठाती है और चुनी हुई सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने का काम जो है जो गवर्नर्स हैं और एलजी हैं वो करते हैं और चुनी हुई सरकार के जो काम है उनको सिरे से नकारने की पूरी जो है साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि उनका संघर्ष पहले से जारी था, आगे भी जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।